माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी पदाधिकारीगण और देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए एक्सपर्ट्स, सक्सेसफुल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, बिहार से आए हुए स्टार्टअप, स्कूल एवं कॉलेज के स्टूडेंट्स, मीडिया, ये जो दो दिन का इनोवेशन स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम उद्योग विभाग ने आईआईटी पटना, सीआईएमटी और अन्य सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर आयोजित किया, मैं अभी यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, खासकर वो लोग जो बिहार पहली बार आए और उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आकर काफी सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिहार में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी, इतना पॉजिटिव इनोवेशन होगा, इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप होंगे। बिहार के बारे में जब बिहार से बाहर और खासकर दूर के राज्यों में लोग सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि बिहार में अगर स्टार्टअप होंगे भी तो वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे होंगे, वो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे होंगे, वो ऐसे किसी ट्रेडिशनल फील्ड में काम कर रहे होंगे। नोबडी थिंक्स दैट बिहार विल हैव स्टार्टअप्स ऑन आईटी, ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑन एजुटेक, एंड दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टू डे इवेंट, टू एक्सपोज बोथ साइड्स, टू एक्सपोज द आउटसाइड एक्सपर्ट्स एंड टीम्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू द स्टार्टअप्स ऑफ बिहार, सो दैट दे आर अवेयर कि बिहार में क्या किस तरह के स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार के जो स्टार्टअप हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको देश के बेस्ट स्टार्टअप से, देश के बेस्ट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स से एक्सपोज करना, उनको गाइडेंस देना, सो दैट दे लर्न फ्रॉम द बेस्ट, एंड आई होप that this objective has been achieved since yesterday. जब आप स्टार्टअप का नाम लेते हैं तो क्या दिमाग में आता है? Any successful startup name? Ola? Okay. What else? Zeroda? पेटीएम, बायजूस, देहात, स्विगी। मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुझे ये उम्मीद है कि इस हॉल में जो स्टार्टअप्स और जो स्टूडेंट्स और जो बडिंग स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं, वो जो स्टार्टअप शुरू करेंगे उनका नाम भी कुछ सालों बाद इसी तरह लिया जाए। अगर इस हॉल में से 5 ऐसे स्टार्टअप निकले, 5 साल बाद देश के किसी कोने में इस तरह का इवेंट हो तो आपके स्टार्टअप का लोग नाम लेंगे कि भाई पेटीएम या जरोदा या ओला या जोमैटो की तरह हमारे यहाँ से। देखिए, बिहार में आप देश के किसी कोने में चले जाइए, अभी मैं बात कर रहा था तो आप बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, जो अच्छे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं वहां पे बिहार के लड़के और लड़कियां बहुत अच्छे स्टार्टअप चला रहे हैं। और अभी मुझे नाम याद नहीं है, पर मुझे अभी किसी ने कहा कि सर हमारी कंपनी में तो 30% लोग बिहार से आते हैं आईटी कंपनी, और मैंने कहा हमें वही बंद करना है। हम ये चाहते हैं कि वो 30% लोग बिहार में काम करें, वो यहाँ पे कंपनी चालू करें, वो यहाँ पे स्टार्टअप चालू करें, वो दूसरे राज्यों में जाकर ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बाहर ना जाएं, बट अगर वो चाहें तो वो बिहार में भी काम
कर सके। लेकिन स्टार्टअप के बारे में मैं दो तीन चीजें और कहना चाहूंगा। देखिए ये लोग जो यहां बैठे हुए हैं, जो जिनको आपने सुना पिछले दो दिन में, जिनके सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, जिनके नाम लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्या कहा, बट कई बार लोग मॉडेस्टी में वो बातें नहीं कहते। स्टार्टअप कोई जादू की पुड़िया नहीं। एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैज वेरी वेरी हार्ड वर्क बिहाइंड इट। हार्ड वर्क के बिना कोई चीज, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टार्टअप कर रहे हो, हार्ड वर्क के बिना कोई सक्सेस नहीं होती। इलॉन मस्क की बायोग्राफी कितने लोगों ने पढ़ी है? काफी लोगों ने पढ़ी है, गुड। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, दो बायोग्राफी है शायद, हो सकता है तीसरी भी आ गई हो, बट आई विल सजेस्ट की, एंड नॉट नेसेसरीली इलॉन मस्क, आई एम सेइंग इलॉन मस्क बिकॉज ही इज रिलेवेंट इन टुडेज प्रोग्राम। He is perhaps the most successful startup entrepreneur known today. उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो ये होगा कि वो आज भी, जब he is perhaps one of the richest person in the world, वो आज भी दिन में 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, शायद उनके पास इतना पैसा है कि 10 generations तक वो खर्च नहीं कर पाएंगे, but still he works so hard. और आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो जब से उन्होंने काम चालू किया और जो उनका हार्डवर्क का स्टोरी है, वो कई कई दिन तक अपने यूनिट में, जहां उनका कंपनी था वहीं पे सोते थे, घर भी नहीं जाते थे, दिन भर काम किया, रात को दो तीन घंटे वहीं सो गए फिर। तो हार्डवर्क इज एन असेंशियल थिंग फॉर स्टार्टअप। This I am saying because ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया बहुत ब्रिलियंट है तो आपका ऑटोमेटिकली सक्सीड करके एक अच्छी कंपनी बन जाएगी, ये जरूरी नहीं। जब तक उसके पीछे हार्डवर्क नहीं होगा ये बहुत मुश्किल। एक बुक आई है मैल्कम ग्लैडवेल की, आउटलायर्स कर, बहुत लोगों ने हो सकता है पढ़ी होगी। उसमें वो कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल चीज के लिए, किसी भी सक्सेसफुल प्रोसेस के लिए कम से कम 10,000 आवर्स का उसमें मेहनत चाहिए। 10,000 आवर्स। अगर आप टेनिस सीखना चाहते हैं और अच्छा टेनिस खेलना चाहते हैं, या आप अगर अच्छी पेंटिंग करना चाहते हैं, या आप अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको कम से कम 10,000 घंटे का उसमें मेहनत समय लगाना पड़ेगा। 10,000 इज नॉट अ सैक्रोसेंट फिगर कि अपने 9,090 लगाया तो नहीं होगा, बट इट्स अ इंडिकेटिव फिगर। तो हार्डवर्क, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास अ मैसेज कि हार्डवर्क इज एन असेंशियल थिंग। सिर्फ इनोवेटिव आइडिया होना या अच्छा आइडिया होना इनफ नहीं है, जरूरी है, इट इज वन ऑफ द असेंशियल रिक्वायरमेंट, बट इट्स नॉट इनफ। दूसरा एक है जो शायद यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने, आई एम नॉट अ स्टार्टअप एक्सपर्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, इन लोगों की बातें सुन सुन के थोड़ा बहुत स्टार्टअप का, और आप लोगों से इंट्रोडक्शन करके थोड़ा बहुत स्टार्टअप का आइडिया हुआ है, बहुत कम। बट दूसरा है कि आपका स्टार्टअप का आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर उसका बिजनेस केस नहीं बन रहा है तो दिस आइडिया विल नॉट कन्वर्ट इंटू अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। जैसे अगर ओला आप लें, ओला आज इतना सक्सेसफुल है, आप सोचिए 50 साल पहले अगर ओला आता तो क्या इतना सक्सेसफुल होता? उस चीज की डिमांड होनी चाहिए। तो जो आप इनोवेशन सोच रहे हैं, नई चीज सोच रहे हैं, उसका मार्केट होना चाहिए। मार्केट असेसमेंट एंड डिमांड इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। कितना भी ब्रिलियंट आइडिया हो, अगर वो अपने समय के पहले है या समय के बाद है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू टर्न इट इनटू अ गुड बिजनेस मॉडल। तो स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। पहला हार्डवर्क, दूसरा आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, लीक से हटके होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, और तीसरा कि इट शुड बी अ गुड बिजनेस मॉडल। अगर वो नहीं होगा तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट।
मुझे उम्मीद है कि पिछले दो दिनों में आप लोगों ने यहाँ पे सारे एक्सपर्ट से टी हब के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे यहाँ आए हुए हैं। टी हब इज परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल इंक्यूबेटर एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, अ प्लेटफॉर्म जहाँ स्टार्टअप ज्यादा बहुत ज्यादा आए और उनका नाम कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ पे बी हब बनाया। तो मेरी उम्मीद यही है कि कुछ सालों में हम लोग उनको पीछे छोड़ के बी हब ज्यादा ज्यादा जाएगा और नहीं कम से कम पीछे छोड़ के तो उनके आसपास हम लोग पहुंचने की रखेंगे। बिकॉज टी हब इन इंडिया परहैप्स इज द बेस्ट पॉसिबल सच इंस्टीट्यूशन, तो वी शुड एस्पायर टू बी देयर। मेरी उम्मीद यही है कि हमारे इस हॉल में जितने युवक युवतियां बैठे हुए हैं वो जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बने। अभी हम लोग सब बिहार में खासकर बच्चे जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं या पढ़ते हैं तो फिर यूपीएससी बीपीएससी एसएससी जितने कमीशन है उसकी परीक्षाओं की तैयारी में टीचर, वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वर्किंग फॉर अ जॉब इज अ गुड थिंग, बट अगर हर आदमी वही करेगा तो फिर एंटरप्राइज कैसे डेवलप होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट अ सेक्शन ऑफ दीज पीपल टर्न टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टार्टअप, थ्रू अ स्मॉल बिजनेस और इनोवेटिव आइडियाज की और एनर्जी की तो बिहार में कमी है नहीं। जितनी एनर्जी और जितने इनोवेटिव आइडियाज और जितना बिजनेस सेंस बिहार के लोगों में है किसी स्टेट से कम नहीं। आप अगर बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखें, एल्केम एरिस्टो बिहार के लोगों ने जाके सेटअप की, अनफॉर्चुनेटली मुंबई में सेटअप की, पटना में नहीं की, पर बिहार के लोगों ने। इसी तरह से हर फील्ड में, अभी हम लोग गए थे एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन विजिट में यूएस, तो वहां जो टॉप कंपनीज है हमारी आईटी सेक्टर की, एएमडी गूगल माइक्रोसॉफ्ट, उसमें टॉप मोस्ट लेयर में बिहार के लोग काम कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट। तो प्रतिभा की तो कमी नहीं है, हमको सिर्फ इसको बिहार में इस चीज को एक्सप्लॉइट करना। और हम लोग उद्योग विभाग से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ हम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें कि यहाँ भी लोगों को सपोर्ट मिले, चाहे वो कोवर्किंग स्पेस के माध्यम से हो। आप में से कितने लोगों ने बी हब विजिट किया है? बहुत कम लोगों ने किया है। दो बी हब हैं, एक है मौर्या लोक में और एक है बीएसएफसी फ्रेजर रोड में। दोनों जगह हम लोग 1000 rupees पर मंथ पर सीट और 1500 rupees डिपेंडिंग ऑन यू टेक अ फिक्स्ड और अ फ्लोटिंग सीट पर हम लोग स्टार्टअप्स को सीट्स अलॉट करते हैं। क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको रेंट बहुत ज्यादा देना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोवर्किंग स्पेस। बट दैट इज नॉट जस्ट अ ऑफिस स्पेस, दैट इज अ प्लेस जहां आईआईटी पटना या चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उनको हर तरह का सपोर्ट देता है, जैसे टीएम देता है ऑन अ मच बिगर स्केल। वहां यहां पे हम लोग उनको हर तरह का हैंड होल्डिंग और सपोर्ट देते हैं। तो इसके अलावा सीड फंडिंग वगैरह के बारे में आपको पिछले दो दिनों में बताया गया होगा स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रही है कि स्टार्टअप्स को कोई कठिनाई नहीं हो, वो फास्ट ट्रैक में आगे बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग नए स्टार्टअप चालू करेंगे और जैसा मैंने कहा कुछ सालों में हमारे यहाँ से भी यूनिकॉर्न निकलेंगे, बिहार से यूनिकॉर्न निकलेंगे जो पटना में रजिस्टर्ड होंगे। मैं अपनी बात दुष्यंत कुमार के एक लाइन से समाप्त करूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।